समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को लेकर अपने सुर बदल लिए। उन्होंने सपा की हालिया बैठक में पार्टी विधायकों को पूर्व सीएम मायावती पर बयानबाजी करने से बचने की नसीहत दी है। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को यह सलाह दी कि बसपा सुप्रीमो के खिलाफ कोई विवादित बयान न दिया जाए। इसके अलावा मायावती को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सभी उनका सम्मान करें। अखिलेश के बदले सुर से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने बसपा के इंडिया गठबंधन में एंट्री पर अपना रुख बदल लिया है। माना जा रहा है कि अखिलेश ने बसपा की इंडिया अलायंस में एंट्री पर लगाया अपना वीटो हटा लिया है। ऐसे में अब यूपी में गठबंधन की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि मायावती इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होंगी। बीते दिनों खबर आई थी कि मायावती अपने जन्मदिन यानी 15 जनवरी को इस मसले पर बड़ा ऐलान कर सकती है। इसी बीच मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यूपी में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एक बैठक हुई। बैठक के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि सब अच्छा रहा और 12 जनवरी को फिर से मीटिंग होगी। इस दौरान बसपा के सवाल पर रामगोपाल यादव ने कहा कि मैं पहले भी बहन जी के साथ समझौता कर चुका हूं, उन्होंने ही एक तरफ से उसे तोड़ा था, यह सब जानते हैं, इसलिए अब मैं क्या कहूं।